हेलो दोस्तों, मैं हूं राहुल और ये है प्लास्टिक की डिस्पोजल वाली ग्लास। और एक ग्लास जो सभी घर में नॉर्मल पानी पीने के लिए यूज किया ही जाता है, और इस ग्लास में आपने गर्म पानी जरूर पिया होगा। शायद आपने इस ग्लास में गर्म पानी भी किया होगा गैस स्टोव पर। लेकिन क्या होगा अगर इस प्लास्टिक वाली डिस्पोजल ग्लास में पानी को गर्म किया जाए? क्या पानी गर्म हो पाएगी, या पानी गर्म होने से पहले ही ग्लास जल जाएगी? तो चलिए देखते हैं क्या होगा अगर इस प्लास्टिक वाली ग्लास में पानी को गर्म किया जाए। दोनों प्लास्टिक की गिलास को पानी से भर दिया है और दोनों प्लास्टिक की गिलास को दोनों चूल्हा पर चढ़ाएंगे और देखेंगे कि पानी गर्म होता है कि नहीं। दोस्तों, पहले हम इसका टेम्परेचर कम कर लेते हैं ताकि प्लास्टिक की गिलास इस पर रखने में हाथ नहीं जले। गाइज गाइज देखिए, इतना ज़्यादा हो गया। ऊपर वाला भाग जल रही है लेकिन अभी तक प्लास्टिक की गिलास जली नहीं है, जली नहीं। आप देखिए 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 यार, इस गिलास से तो पानी बाहर निकल रही है, गिलास में छेद हो चुका है। शायद इसलिए शायद बुझ गई है चूल्हा। इसको देखो गाइज, इसको देखिए, ऊपर वाले जो भाग है, जो ऊपर वाला पार्ट है, ये जल चुका है, ये देखो। लेकिन नीचे वाला भाग में कुछ नहीं हुआ है। और पानी में देखता हूँ कितना गर्म हुआ है हाथ डालकर। यार पानी बहुत गर्म हो चुका है लेकिन अभी तक गिलास जली नहीं है। देखता हूँ कितना देर तक ये गिलास टिकता है। यार इसमें देखो ध्यान से, इस गिलास में छेद हो चुका है और पानी भी बाहर निकल रही है, इसलिए शायद यहाँ पर गैस से इधर से थोड़ा थोड़ा नहीं जल रही है। लेकिन गाइस यहाँ पर ध्यान से देखिए, जो ऊपर वाला भाग है वो जल चुका है लेकिन पानी पूरे हीट हो रहा है, हीट हो रहा है, लेकिन गिलास का नीचे वाला भाग का अभी कुछ भी नहीं हुआ है। प्लास्टिक जस का तस है, यानी कि मैं इस प्लास्टिक वाली गिलास में पानी को गर्म कर सकता हूँ। इसका हाल देखो गाइस, गिलास कितना छोटा हो चुका है क्योंकि इसमें गिलास में छेद हो चुका है, तो पानी बाहर निकल रही है। पानी जब निकल रही है तो ऊपर का भाग खाली हो रहा है, इसीलिए ऊपर से जल रही है, लेकिन नीचे वाला भाग जस का तस है, कुछ नहीं हुआ है। गिलास का कुछ नहीं हुआ है और इसमें पानी भी गर्म हो रही है। देखते हैं कि कितना देर तक ये प्लास्टिक की गिलास चल पाती है। मैं सभी एंगल से दिखा देता हूं, अब गौर से देखिए, पानी पूरे खोल रही है, गिलास का कुछ भी नहीं हुआ। जो ऊपर पानी नहीं था गिलास के ऊपरी भाग में, वही वाला भाग जला है, नहीं तो नीचे वाला भाग पूरे सेफ है। और मेरा पानी भी यहाँ पर गर्म हो चुका है, मैं इस पानी को पीऊंगा नमक डालकर। इसका टेम्परेचर ज़्यादा है तो पानी ऊपर से भाप बन कर उड़ रही है, यानी कि जल रही है, इसीलिए ऊपर से प्लास्टिक भी जल रही है। लेकिन जो नीचे वाला भाग है उसका कुछ नहीं हुआ है। ध्यान से देखिए, प्लास्टिक जस का तस है। इसका मतलब है कि जब तक गिलास में ऊपर तक पानी रहेगी, ये प्लास्टिक की गिलास नहीं जलेगी। लेकिन जैसे जैसे पानी खाली हो रही है, ऊपर से गिलास भी जल रही है। गैस बर्बाद हो रहा है यार, अब जल्दी से इसको बंद करता हूँ। 1, 2, 3। मैं अब इस ग्लास को उठाकर देखता हूँ क्या इसका हाल हुआ है। यार ये ऐसे नहीं उठ पाएगी, एक और चाहिए इसके सपोर्ट के लिए। तो चलिए चलिए मैं इसको उठाता हूँ। 1, 2, 3। कुछ नहीं हुआ ग्लास का। इसमें तो चिपक ही गई यार, हट नहीं रही है। देखो कैसे हट रही है। अब मैं इस पानी को इस गिलास में डालूंगा और इसको नमक डालकर पी जाऊंगा।
देखो गाइस गिलास का क्या हाल हुआ, जो ऊपरी भाग में जहाँ पानी धीरे धीरे खत्म हो रही थी क्योंकि टेम्परेचर ज़्यादा था, पानी भी भाप बनकर उड़ रहा था, इसलिए ऊपर की गिलास जल रही है लेकिन नीचे का गिलास जस का तस है। पानी गर्म है, इससे भाप भी निकल रही है। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें। और देखो गाइस ग्लास का क्या हाल हुआ, इसका जो नीचे वाला भाग है अभी तक जला नहीं। यदि आप इसका जवाब जानते हैं तो कमेंट में जरूर कमेंट करें, मेरा 2 रुपये बर्बाद हो गया। गाइस अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।